सुप्रभात कक्षा दो, कैसे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ नौ। हमारे पाठ का नाम है फूल हमेशा मुस्कुराता है। तो प्यारे बच्चों, कुदरत ने हमें इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें दी है कि हर चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वैसे ही कुदरत ने हम प्रकृति में देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं, अलग अलग रंग के फूल होते हैं। लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, तो अलग अलग रंग के फूल होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हम देखते हैं तो देखने में हम फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं कि तोड़ लेते हैं उनको। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि फूल कैसी परिस्थिति में रहता है? कि फूल सबसे पहली बात तो कि कांटों के बीच में रहता है, ठीक है। फिर वो धूप में रहता है, बारिश के थपेड़े सहता है, धूल मिट्टी, जैसे हवा आंधी आती है तो धूल मिट्टी के थपेड़े सहता है। और इस तरह से फूल भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखता है, मतलब कि उसके जीवन में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन वो हर परिस्थिति में क्या करता है? खिला हुआ रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो यहाँ पे कवि ने हमें कहा है कि हमें भी फूल की तरह बनना है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हमें क्या करना चाहिए? कभी भी उदास होके नहीं बैठना चाहिए, या हमारा मनचाहा ना हो या हमारी मनचाही कोई बात ना हो तो हमें उस बात के लिए रोना नहीं चाहिए या निराश नहीं होना चाहिए। ये सीख हमें फूल के जीवन से लेनी है कि हमेशा हमें मुस्कुराते रहना है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे आज का हमारा पाठ नौ, फूल हमेशा मुस्कुराता। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि हमें हर एक परिस्थिति में फूल की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। तो हवा चाहे कैसी भी हो, चाहे हवा मतवाली हो, मतवाली मतलब कि मस्ती से भरी हवा हो या लू वाली हो, मस्ती से भरी मतवाली हवा चलती है तो भी फूल मुस्कुराता है, और लू वाली मतलब कि गर्म हवा चलती है तो भी फूल क्या करता है? मुस्कुराता है। पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। तो पत्तों की गोदी में रहकर मतलब कि पत्तों के साथ रहके भी फूल मुस्कुराता है, और कांटों की नोकों पर रहकर मतलब कि कांटों के बीच रहकर भी फूल क्या करता है? फूल हमेशा मुस्कुराता है, हमेशा हंसता रहता है। ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता, नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता। चाहे कोई भी परिस्थिति हो जीवन में, फूल के जीवन में, कि वो डाली के ऊपर रहे तो भी वो हमेशा खिलता हुआ रहता है, मुस्कुराता हुआ रहता है, और जब वो डाली से टूटकर नीचे गिर जाता है, मिट्टी में मिलता है, तो भी वो क्या करता है? मुस्कुराता रहता है। अपनी डाली से अलग होके भी फूल जब मिट्टी में गिर जाता है तो भी वो क्या करता है? फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। नीचे टपक धूल में मिलकर, नीचे टपक मतलब कि जब वो अपनी डाली से टूट कर गिर जाता है तो फूल हमेशा मुस्कुराता। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्कुराता, इसलिए वह सबको बाता, फूल हमेशा मुस्कुराता। तो फूल को कभी भी रोना नहीं आता। आपने कभी देखा है फूल को रोते हुए? वो क्या करता है? खिलता हुआ रहता है और मुस्कुराता हुआ रहता है, इसलिए वह सबको भाता है, हमेशा वो हंसता रहता है, इसलिए हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है, वो सबके मन को प्रिय होता है, सबके मन को अच्छा लगता है, सबके मन को आकर्षित लगता है कि हम भी जब कोई फूल देखते हैं तो मन करता है ना उसको तोड़ ले, अपने पास रख ले। क्यों? क्योंकि वो खिला हुआ रहता है, मुस्कुराता हुआ रहता है। तो हमें भी हमेशा अपने जीवन को फूल की तरह महकता हुआ बनाना है, और हमेशा ही हंसते हुए रहना है फूल की तरह। फूल कभी रोता नहीं है तो हमें भी रोना नहीं है, चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी
विकट परिस्थिति हो जीवन की, हमें क्या करना है, हमें हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, किसकी तरह, फूल की तरह। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें, इस कविता से हमें